आज के वीडियो में देखेंगे जानेंगे तीन रूम एक किचन एक हॉल और एक बरामदा में किस तरह से पाइप डालते हैं। छत में अटैच लैट्रिन बाथरूम हो तो वहां पे किस तरह से पाइप डाला जाता है। अगर आप ये पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, गौर से देखिए सुनिए समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे कि ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमें काम करना है तो यहाँ पे छड़ वगैरह जो है डाल करके फाइनली बांध दिया गया है। बस हमें अपना इलेक्ट्रिकल काम करना है, उसके बाद इस छत की ढलाई हो जाएगी। तो जो हमें फैन बॉक्स लगाना है, लाइट बॉक्स लगाना है, डिप जंक्शन लगाना है या बेंड जो ड्रॉप करना है वो कहाँ पर करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको नीचे एक बार ले करके चलते हैं और यहाँ पर दिखलाते हैं कौन सा रूम अटैच है, लैट्रिन बाथरूम है, कहाँ पर दरवाज़ा है, कि स्विच बोर्ड के लिए हम बेंड कहाँ पर ड्रॉप करेंगे। जैसे ये जो रूम है ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है, सामने आपका लैट्रिन बाथरूम है और यहाँ पे जैसे इन करेंगे तो इस वॉल पे हमने स्विच बोर्ड देना है, तो इस वॉल पे क्या करेंगे एक बेंड ड्रॉप कर लेंगे और सेलिंग में सेंटर में मेजरमेंट करके फैन बॉक्स लगा देंगे फैन के लिए। उसी तरह अगर इधर हम चलते हैं तो यहाँ पर जो ये रूम है ये जैसे दरवाजे से हम इन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस वॉल पर हमें एक बेंड ड्रॉप करना है स्विच बोर्ड के लिए और सेलिंग में फ़ैन बॉक्स लगाना है। और जो लाइट है हर वॉल पे ड्रॉप कर दिया जाता है दो या तीन लाइट का, जितना लाइट का अगर आपका डिमांड है उस हिसाब से ड्रॉप कर देना है। और जो दरवाज़ा इन करेंगे वहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए लगा देंगे, फ़ैन के लिए लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये सेल्टरिंग किया गया है तो थोड़ा साफ नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सेल्टरिंग खुलने के बाद हम एक बार आपको दिखा देंगे। इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा लेट से अपलोड कर रहे हैं और इसमें लास्ट में हम अटैच कर देंगे कि किस तरह से इसका लुक है। तो ये सब तो हो गया, ये किचन है इसका, तो इस हिसाब से यहाँ पे कंड्यूट हमें करना है कि कहाँ पे दरवाज़ा है और कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे डालना होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर चलेंगे और वहाँ हम आपको इसका कंड्यूटिंग यानी पाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, फ़ैन बॉक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले ऊपर सीढ़ी है ये, इससे चलिए हम ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमारा मटेरियल है, एक इंची का पाइप हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 mm का, और इस बोरिया में हमारा सामान है। तो इसमें जो है सामान हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर निकालेंगे यहाँ पे, इस तरह से हम क्या करेंगे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये हमारा मटेरियल रहा जो हमें लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ैन बॉक्स है और ये हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है जिसे पैनल लाइट बॉक्स भी कहा जाता है। ये हमारा डिप जंक्शन है जिसमें हम लाइट वगैरह लगाएँगे। उसके बाद ये हमारा बैंड है जो वॉल के साइड ड्रॉप करेंगे, और ये जो है डिप जंक्शन पैकेट में है। अब चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूम का सेंटर मेजरमेंट करके इस तरह से फ़ैन बॉक्स लगा देंगे। फ़ैन बॉक्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, पाइप लगा करके बेंड लगा करके वॉल में ड्रॉप कर देना है। जैसे इस साइड हमारा स्विच बोर्ड भी है तो पाइप ड्रॉप करना ही है, और एक लाइट के लिए भी हम इस साइड पाइप को ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे छेनी हथौड़ी से, हैमर या सिंजल भी कह सकते हैं जिसे कटिंग करते हैं। इस साइड भी मैंने कटिंग किया है, तो यहाँ पर टोटल 3 वॉल पर मैंने कटिंग किया है। तो सबसे पहले कंड्यूट यहाँ पर हम इस तरह से लगा देते हैं, और यहाँ देखिए जैसे ये है तो इस साइड हमारा स्विच बोर्ड आएगा, और उसके बाद बात करें यहाँ पे तो इस साइड मैंने कटिंग किया है लाइट के लिए, प्लस आप पावर प्लग भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक और कंड्यूट है, ये हमारा मेन लाइन का कंड्यूट है जो दूसरे रूम से जुड़ेगा, और ये जो हमारा कंड्यूट है ये लाइट के लिए है। अब हमें करना क्या है, दूसरे रूम में चलेंगे, दूसरे रूम में सेम इसी तरह से हम लगा देंगे। यहाँ पर 3 वॉल के साइड हमने ड्रॉप कर दिया, एक स्विच बोर्ड और एक वॉल के साइड, और इस वॉल के साइड लाइट के लिए। हो सकता है उस वॉल पर आपका पावर प्लग का हो, जिस वॉल पे आप पाइप को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको पावर प्लग का वॉल के थ्रू कटिंग करके लगा देना है। तो यहाँ पे तो हमने इस तरह से लगा दिया। फिर इस रूम से मैंने क्या किया है, एक मेन लाइन यहाँ लिया है और फिर इस रूम में आ गया है। ये जो किचन है हमारा, इसमें हमारा फ़ैन बॉक्स नहीं लगेगा, लाइट बॉक्स लगेगा। अब यहाँ पे हम बेंड और पाइप लगा के चारों वॉल चारों साइड में इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे। जैसे ये वाला जो पाइप है ये स्विच बोर्ड के लिए है, सामने वाला एग्जॉस्ट फैन के लिए है क्योंकि उस साइड खिड़की है, ये लाइट पॉइंट के लिए, ये भी लाइट पॉइंट के लिए है। जिस साइड हमारा स्लैब होगा उधर पावर प्लग का भी बोर्ड लगा देंगे। ये तो एक साइड का हमारा क्लियर हो गया। हर रूम में आपका एक फ़ैन है,
3 लाइन का पॉइंट है यानी लाइट के लिए, और मैंने स्विच बोर्ड के लिए उसी साइड बैंड को ड्रॉप किया है जिधर हमारा दरवाज़ा है। ये तो एक साइड हो गया। अब इस साइड हम चलिए करके आपको दिखलाते हैं। इसमें हमें सब अटैच करते हुए मेन लाइन मिलाते हुए लेके मेन तक चलना है। तो इसमें हम लगाएंगे जैसे बीच में फ़ैन, चारों साइड कॉन्सील्ड बॉक्स जिसे पैनल लाइट बॉक्स कहा जाता है। तो चलिए लगा करके दिखाते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो बीच में फ़ैन है और चारों साइड मैंने कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने बैंड को ड्रॉप किया है जैसे ये स्विच बोर्ड के लिए है। और उसके बाद इधर देखेंगे तो ये हमारे लाइट पॉइंट के लिए है, प्लस पावर प्लग भी उस वॉल पे दे सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे इस साइड ड्रॉप किया है, इधर पावर प्लग दे देंगे, लाइट दे देंगे, प्लस टीवी लगाना होगा उसके लिए भी हम दे देंगे। उसके बाद इस हॉल के थ्रू एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है जिसमें मैंने एक बीच में क्या किया, कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया है और दोनों साइड मैंने बैंड ड्रॉप कर दिया है। इस साइड लाइट का हो जाएगा, गीजर का हो जाएगा, और यहाँ से हमारा मेन लाइन का कंड्यूट आ रहा है। जो हमारा मेन लाइन इधर आएगा, जो मेन वायर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स यानी एमसीयू बॉक्स में जाएगा। यहाँ बीच में जो ये गैलरी है यहाँ पे हम कॉन्सील्ड बॉक्स लगा देंगे, प्लस ये वाला जो रूम है ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक फ़ैन लगाएंगे और बैंड को हर साइड ड्रॉप कर देंगे लाइट के लिए, स्विच बोर्ड के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको लगा करके दिखाते हैं कि मैंने कहाँ किस साइड क्या ड्रॉप किया है, कौन सा पाइप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से लुक है इसका। इस साइड ये बैंड है लाइट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखलाते हैं, ये भी लाइट के लिए बैंड है, ये भी लाइट के लिए बैंड है, और इधर पावर प्लग भी आप दे सकते हैं जब पार्टी का डिमांड आ जाए तो वॉल में कटिंग करके किसी भी साइड। ये हमारा स्विच बोर्ड के लिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा दरवाज़ा है। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद जिस समय हम वॉल कटिंग कर रहे हैं, स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं, उस समय पार्टी कर रहा है, दूसरे वॉल पे हमें स्विच बोर्ड चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस वॉल पे हमने बैंड को ड्रॉप किया है उस वॉल पे हम कटिंग करेंगे और वहाँ पे हम स्विच बोर्ड लगा देंगे। और ये जो आपको कंड्यूट दिख रहा है ये मेन का कंड्यूट है, मेन सर्किट के लिए। और दूसरा आपको कंड्यूट इधर दिख रहा है, ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कंड्यूट डाला है। बीच सेंटर में मैंने एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगा दिया है लाइट के लिए, और एक बैंड मैंने इस साइड ड्रॉप कर दिया है, एक बैंड इस साइड ड्रॉप कर दिया है मैंने। इस साइड हम स्विच बोर्ड लगा देंगे, प्लस लाइट का पॉइंट बना देंगे, सामने गीजर और लाइट का पॉइंट बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक फ़ैन बॉक्स लगाना है। उससे पहले ये जो कंड्यूट आ रहा है यहाँ पे कॉन्सील्ड बॉक्स लगाने के बाद एक कंड्यूट यहाँ से लेंगे और इसे लेकर के आ जाएंगे फ़ैन बॉक्स में, और यहाँ से जिस साइड हमें वॉल पे ड्रॉप करना है वहाँ पे वॉल पे ड्रॉप करके हम आपको दिखलाते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमने फ़ैन बॉक्स लगा दिया है, प्लस पाइप भी लगा दिया है। तो जैसे ये हमारा मेन आ रहा है इस रूम से, और ये आ रहा है हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स जो हॉल से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक कंड्यूट मैंने वॉल में ड्रॉप कर लिया है, दो कंड्यूट मैंने मेन के लिए ड्रॉप किया है, जैसे एक को ड्रॉप कर दिया है मैंने, एक को और ड्रॉप करना है, और एक कंड्यूट को आप देखेंगे यहाँ से तो मैंने बाहर के लिए निकाला है, जो हमारा टॉप है छत के थ्रू उसमें लाइट देने के लिए। अब क्या करेंगे, एक और इसमें हमें काम करना है, जैसे यहाँ पे हमें दो तो ये ड्रॉप कर देना है, प्लस एक इधर से लेकर के आना है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस फैन बॉक्स में। चलिए हम आपको दिखलाते हैं। जैसे ये जो है इसमें से हमारा नहीं बच रहा है होल लाने के लिए, तो इस फैन बॉक्स को हम यहाँ पे बदल देंगे क्योंकि इसमें 6 होल है। तो हम क्या करेंगे, फ़ैन बॉक्स यहाँ पे बदल देंगे। हो सकता है आपके साथ भी आए इस तरह का प्रॉब्लम। तो आप फ़ैन बॉक्स दो तरह का आता है, एक 6 होल का आता है, एक 8 होल का आता है। तो 6 होल वाला में क्या है कि चीप एंड बेस्ट में जाइएगा तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपको हेवी वायरिंग करनी है, जहाँ पे ज़्यादा कंड्यूट लग रहे हैं, ज़्यादा कंड्यूट डाल रहे हैं, वहाँ पे 8 होल वाला ही आपको फैन बॉक्स लगाइएगा तो हर जगह पे मुड़ जाएगा, यानी हर जगह से आपका पाइप चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा था, इस साइड से लेकर के जाना हो रहा था, यानी ले जाना था पाइप को, तो नहीं जा पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है 8 होल वाले फ़ैन बॉक्स को, तो यहाँ से एक हमारा कंड्यूट इस साइड आ गया और 3 कंड्यूट ड्रॉप हो गया। ये मेन का है, इसके नीचे हमारा एमसीयू बॉक्स लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया। एक कंड्यूट और देखेंगे तो मैंने इधर निकाला है टॉप के लिए, क्योंकि टॉप में दो साइड से हमने यहाँ पे कंड्यूट को मेन किया है। तो एक यहाँ पे डिप जंक्शन लगाएंगे, एक यहाँ पे डिप जंक्शन, एक यहाँ पे डिप जंक्शन और एक सामने, यानी डिप जंक्शन हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
हम आपको डिप जंक्शन लगा करके दिखलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फाइनली लगा भी दिया है, जैसे देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने टोटल ए टू जेड लगा दिया है और यहाँ पे हमारा फाइनल हो चुका है। जहाँ पे जिस चीज़ को हमें लगाना था, लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स, डिप जंक्शन, सब मैंने लगा दिया है। अब हमें करना क्या है, जैसे ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, कोई मुँह खाली है तो उसके अंदर हमें पेपर लगा देना है ताकि मटेरियल नहीं जाए और जाम नहीं हो। उसी तरह से हमें करना क्या है, इधर आते हैं, जैसे कि ये हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है, फैन बॉक्स वगैरह है, तो जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सब मैंने लगाया है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, जो अगर टेढ़ा बॉक्स है उसे सीधा कर लेंगे, फैन बॉक्स हो उसे भी सीधा कर लेंगे, प्लस इसको मैंने लगाया है ताकि इसको सपोर्ट मिले, तो ये टुकड़ा पाइप मैंने लगाया है तो ये भी खाली है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पेपर लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया। उसके बाद एक काम और करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है फैन बॉक्स, अब चलिए इसमें करना क्या है, नीचे से हमें एक लगा देना है जो कूट गत्ता होता है उसे, क्यों कि हमें नीचे से साफ साफ दिखाई देगा कि हमारा यहाँ पे फैन बॉक्स है। अगर कभी मटेरियल ज़्यादा हो जाता है, यानी ढलाई थोड़ी हमारी फैन बॉक्स उठ जाती है और दिखता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देख रहे हैं कॉन्सील्ड बॉक्स के नीचे भी मैंने लगा दिया है, तो इस तरह से लगा देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ है जिसे हमें ध्यान में लास्ट में चेक कर लेना होता है, कहीं पे अगर पाइप हमारा लूज है, बांधा हुआ नहीं है छड़ में, तो हम बांध देते हैं। इस तरह से बांध लिया जाता है और टोटल इस तरह से काम किया जाता है। अब जैसे कि ये सिल्टरिंग खुल चुका है, यहाँ पे हमारा मेन तीन कंड्यूट ड्रॉप हुआ है और ये जो है ये हमारा अटैच लैट्रिन बाथरूम वाला रूम है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने पाइप को ड्रॉप किया था बेंड लगा के, वो हमारा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और ये दिख रहा है। और ये हमारा लैट्रिन बाथरूम है और इसमें जो हमने लगाया था वो भी आपका दिख रहा है, बस जो लाइट नहीं दिख रहा है वो तो मिल जाना है, वो तो थोड़ा थोड़ा दाग आपको दिखता है। अब तो ये हो गया रूम, अब चलिए क्या करते हैं, आपको दूसरा रूम दिखलाते हैं। जैसे कि इस रूम की अगर बात करें तो इस रूम में भी चलेंगे, तो ये हमारा गैलरी है प्लस पैसेज है, ये हॉल है, उसके बाद ये रूम है हमारा। इस रूम में भी हमने बेंड इस साइड ड्रॉप किया था, वो आपको क्लियर दिख रहा है, इस साइड भी आपका ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे हमारा पाइप। उसके बाद एक मैंने स्विच बोर्ड के लिए दरवाजे के साइड ये डाला था, वो भी आपको दिख रहा है, प्लस ये सब फाइनल हमारा दिख रहा है। इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ बंद नहीं नज़र आ रहा है, अगर कुछ बंद नज़र आ रहा है तो हमारा सेलिंग में फ़ैन वगैरह और लाइट का बॉक्स वगैरह तो अभी मिल जाना है, बाकी बेंड हमारा सब ड्रॉप है। और जो नहीं दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा आपको दाग ज़रूर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है और बिल्कुल जीरो दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा दाग होता है, प्लस जो हमने गत्ता लगाया था कार्टून वो भी हमारा फाइनली दिख रहा है। इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं छत में, अगर कहीं पे आपका इस तरह से डिमांड आ रहा है कि रूम में हमें एक फ़ैन लगाना है, स्विच बोर्ड लगाना है और बल्ब पॉइंट चाहिए, तो इस तरह से आप पाइप डाल सकते हैं और इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। अगर कहीं आपका डिमांड आ रहा है कि हॉल में बीच में फ़ैन रहेगा और चारों कॉर्नर पर लाइट रहेगा, तो वहाँ पर आप इस तरह से लाइट बॉक्स लगा सकते हैं और इस तरह से पाइप डाल सकते हैं स्विच बोर्ड के लिए। कहीं पे आपका डिमांड आ रहा है कि अटैच लैट्रिन बाथरूम रहेगा मेरा, तो वहाँ पे आपको इस तरह से पाइपिंग करना है। और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल में जिसमें मैंने दिखलाया है, बतलाया है कि किस तरह से छत में पाइप डालते हैं, सिंपल तरीका क्या है छत में पाइप डालने के लिए, या स्लैब या टॉप में किस तरह से पाइप डालते हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वीडियो अच्छी जानकारी वाली आपको मिल जाएगी जिसमें अच्छी तरह से मैंने दिखलाया, समझाया, बतलाया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे तो मेरे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख लीजिए और कुछ वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।